हेलो गाइस, तो यहाँ पे है मेरे पास वन प्लस कंपनी का नॉर्ड स्मार्टफोन। और गाइस आप देख सकते हैं इसका मॉडल नेम है वन प्लस नॉर्ड CE2। तो आज के इस वीडियो में जो है नॉर्ड CE2 मॉडल नंबर का जो ये स्मार्टफोन है इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसका रिव्यू कि वन प्लस कंपनी का ये जो मोबाइल है वो किस तरह से हमें मिलता है और कैसा इसका लुक हमें दिया जाता है। और गाइस इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, किस तरह से स्मार्टफोन मिलता है, कैसा इसका हमें जो है डिज़ाइन वगैरह दिया जाता है, तो इन सभी चीज के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चले गए, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मेरे पास है वन प्लस कंपनी का नॉर्ड CE2 स्मार्टफोन। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये अभी ही लॉन्च हुआ है, तो मैं जो है आपको रिव्यू दिखाने के लिए स्पेशली इसे लेकर आया हूँ। तो गाइस मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं। और गाइस मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे जो है सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि जो है मैं ऐसे ही नए नए अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता रहूं और जो है आपके लिए नए नए टेक रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स जो है वो लाता रहूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है हमें इस वन प्लस फोन का जो है इस तरह से बॉक्स मिल जाता है। और गाइस इस साइड में जो है हमें यहाँ पे इसका मॉडल नेम मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं वन प्लस नॉर्ड CE2। तो चलिए गाइस अभी हम करते हैं इसे अनबॉक्स। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ से इसे अनबॉक्स करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाइस कुछ इस तरह से इसे अनबॉक्स करते ही यहाँ पे आपको जो है वन प्लस लोगो के साथ यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो बॉक्स दिया जाता है अलग से, हम जो है यहाँ से इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। और निकालते ही आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है हमें वन प्लस लोगो के साथ एक अलग से बॉक्स दिया जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे मिलता है एक बैक साइड का कवर। दूसरे जो हमें फ़ोन दिए जाते हैं उसके अंदर हमें जो एक सिंपल सा जो है प्लेन कवर मिल जाता है। और यहाँ पे जो है वन प्लस के साथ आप देख सकते हैं अच्छी डिज़ाइन के साथ हमें जो है एक बैक कवर मिल जाता है। यहाँ पे जो है हमें एक अलग से जो है बॉक्स जैसा दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं सिम कार्ड की जो ट्रे है उसे बाहर निकालने के लिए और इसे जो है सिम चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें जो एक अलग से पिन भी मिल जाती है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं गाइस कुछ हमें यहाँ पे डायरी वगैरह भी दिया जाता है। और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन निकालने के लिए हमें जो है इस तरह से इसे उल्टा करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये स्मार्टफोन जो है वो बाहर निकलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है पैकिंग करके हमें स्मार्टफोन मिल जाता है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गाइस ये नीचे वाले बॉक्स को जो है आपको कुछ इस तरह से यहाँ से जो इससे बाहर निकालना है इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है यहाँ पे हमें मिल जाता है एक चार्जिंग करने के लिए एडेप्टर। ये चार्जिंग जो है उसकी साइज बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो है आपको 65 वोल्ट का जो है सुपर हुक चार्ज मिल जाता है। इससे जो है गाइस आप 30 से 40 मिनट में अपना फोन जो है 0 से 100% तक चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे जो है गाइस इसके साथ यहाँ पे हमें मिलता है इस चार्जिंग का केबल, जिसे हम डेटा केबल में भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस ये हमें रेड कलर के साथ मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जो केबल मिलता है वो हमें मिलता है 1 मीटर का। तो आप देख सकते हैं गाइस 1 मीटर लंबाई के साथ हमें ये चार्जिंग का केबल मिल जाता है। तो गाइस अभी हम देखते हैं इस स्मार्टफोन को कि हमें ये जो स्मार्टफोन है उसका जो है डिज़ाइन और इसका लुक किस तरह से मिलता है। उस इस तरह से जो है हमें यहाँ से इस पेपर को जो है हटाना है। आप देख सकते हैं गाइस ये है हमारा वन प्लस कंपनी का नॉर्ड CE2 स्मार्टफोन। कुछ इस तरह से जो है आपको जो है यहाँ पे इसकी डिस्प्ले मिल जाती है। और गाइस बात करें इसके बटन्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमें इस साइड में हमें वॉल्यूम का जो है बटन्स मिल जाता है। गाइस वॉल्यूम बटन के साइड में जो है यहाँ पे हमें मिलता है सिम कार्ड ट्रे, तो यहाँ से जो है आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो।
और गाइस आप देख सकते हैं इस साइड में जो है आपको यहाँ पे एक ही बटन दिया जाता है जिसे जो है आप इसका पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे जो है चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पे जो है आप एयरफोन भी यूज़ कर सकते हो और बाजू में आपको यहाँ पे माइक का जो है पॉइंट मिल जाता है। और फ़ोन की ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमें शायद सेंसर दिया हुआ है जिससे जो है आप इसे रिमोट भी बना सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर जो है हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में एक कॉर्नर में जो इसका कैमरा मिल जाता है आप देख सकते हैं। और गाइस बात करें इसके बैक साइड लुक की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है एकदम और लाइट फिनिश के साथ जो है आपको यहाँ पे बैक साइड मिल जाती है। कोई यहाँ पे मैट फिनिश नहीं मिलता है, यहाँ पे जो शाइनिंग फिनिश के साथ जो है आपको यहाँ पे ग्लास दिया जाता है आप देख सकते हैं। और बीच में जो है एकदम हमें बढ़िया सा वन प्लस का जो है लोगो मिल जाता है आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कैमरा का जो डिज़ाइन दिया हुआ है, कैमरे लगाने के लिए जो यहाँ पे हमें फिनिशिंग दिया हुआ है वो एकदम अलग तरीके से जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे एकदम स्मूथ फिनिश के साथ यहाँ पे कैमरा जो है लगाया हुआ है। यहाँ पे जो है कैमरे की जो साइज़ है वो भी हमें यहाँ पे जो एकदम बड़ी मिल जाती है ताकि एकदम जो ये हाईलाइट हो जाता है स्मार्टफोन की बैक साइड में। जो है बैक साइड में हमें मेन कैमरा जो दिया जाता है वो हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का और दूसरा जो कैमरा है वो हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ। माइक्रो कैमरा है वो हमें मिल जाता है 2 मेगापिक्सल के साथ। यहाँ पे नीचे की साइड में जो है हमें LED फ्लैशलाइट दी हुई है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है वो एकदम पतली आपको मिल जाती है यहाँ पे, मतलब आप अगर इसे फ़ोन को जो है हैंड में इस तरह से रखते हो तो आपको जो है एकदम थिकनेस इसकी पतली लगती है, ये एकदम स्लिम मोबाइल आपको फील देता है। तो चले गाइस अभी बारी है इसे स्विच ऑन करने की, तो स्विच ऑन करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं जो इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी मैं जो है इसे स्विच ऑन करके पूरा सेट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं गाइस स्विच ऑन करते ही कुछ इस तरह से जो है सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस मिल जाता है। गाइस यहाँ पे जो है इसकी जो स्पीड है वो एकदम स्मूथ मिल जाती है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप कितनी भी फास्ट स्पीड के साथ यहाँ पे ओपन करते हो तो आप देख सकते हैं एकदम फास्ट जो है ये काम करता है, तो इसकी वजह से जो है इसका हैंग होने का कोई भी चांस नहीं है। और बात करें इसकी ऊपर की पैनल की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमें पैनल मिल जाती है और ये सारी एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें मिल जाती है। जैसे कि गाइस अगर यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो और फिर से इसे बैक कर देते हो तो आप देख सकते हैं ये एकदम बड़ी स्पीड के साथ, एकदम बढ़िया स्पीड के साथ जो है फिर से ऑन ऑफ हो जाती है आप देख सकते हैं गाइस। तो इसे जो आप कैसे भी यूज़ अगर करते हो तो इसमें हैंग होने का कोई चांस नहीं रहता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरे की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है इसका बढ़िया कैमरा हमें मिल जाता है जो कि है 64 मेगापिक्सल के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे जो है अभी मैं इसका फ़ोटो ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है फ़ोटो की क्लियरिटी जो है एकदम आपको यहाँ पे प्रीमियम मिल जाती है आप देख सकते हैं, एकदम बारीकी से जो है यहाँ पे कैप्चर करता है और पूरा जो है एकदम क्लियरिटी के साथ हमें यहाँ पे फ़ोटो मिल जाता है। तो इसकी कैमरे की जो क्वालिटी है वो भी आपको एकदम बढ़िया मिल जाती है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि वन प्लस कंपनी के साथ हमें एकदम बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का अगर कोई स्मार्टफोन हो तो ये है वो स्मार्टफोन। तो इस मॉडल में जो है आपको 24 या 25 हज़ार के आसपास जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी के साथ और प्रीमियम लुक के साथ जो है स्मार्टफोन मिल जाता है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक जो है वो भी मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो इसे परचेस करके मंगा सकते हैं ऑनलाइन। और गाइस मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो या तो जो है आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।